दारा को तो तुमने मार दिया, लेकिन मेरे बच्चों वक्त बुरा चल रहा है। सीबीआई से खबर आई है कि कोई अकरम शेख तुम लोगों के पीछे पड़ा है। वो पीछे ही रहेगा, वैसे भी मिसाइल्स और हथियारों के सौदे में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। अरे अगर फंस गए तो मैं होम मिनिस्टर नहीं रहूंगा, समझे कि नहीं? अगर ये डील हो गई तो आप एमएलएस खरीद के चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे अंकल। मुझे अंकल नहीं कहा करूँ ना। बहुत नॉटी हो तुम। अच्छा ये बताओ अकरम शेख का क्या करने वाले हो? डोंट वरी बी हैप्पी। ए, लगी तो नहीं? बताता हूं, उनका नाम अली अब्बास है। क्या सुरेश भाई, पहले क्यों नहीं बताइए? क्यों गांधी जी के देश में हिंसा करवाता है? सर, मिस्टर खुराना। सर, कुछ बताया इसने? सर, पुलिस की मार की ये बात ही है निराली, गुंगा भी गाए कव्वाली। वेल सेड। थैंक यू सर। सर लेकिन मेरा शक सही निकला, 4 साल पहले के छोटे मोटे चोर अली अब्बास आज हथियारों के सबसे बड़े सौदागर हैं। ये अमेरिका ने दूसरे देशों पर पहरा क्या लगाया है कि ये टेररिस्ट हिंदुस्तान को हथियारों की मंडी बना देना चाहते? डोंट वरी सर, लेकिन हम हिंदुस्तान का नाम दुनिया में बदनाम होने नहीं देंगे। दिस इज वेरी सीरियस, गेट क्रैकिंग ऑन द केस अक्रम। अब तुम इस केस के इंचार्ज हो। सर, तारा का कत्ल, होटल से बरामद नक्शा, न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई हादसा होने के इंतजार में। शहर पर खतरा मंडरा रहा है सर, द सिटी इज अंडर थ्रेट। कितने दिनों से हम तारा के पीछे थे इन हथियारों के लिए, अब जाकर हाथ आए। क्या फिगर है यार, एकदम स्लिक एंड सेक्सी। बस तेरे वायरस की कमी है अब। कमाल है यार, इतना शक तो वो लड़कियां भी मुझ पर नहीं करती जिनको मैं रोज शादी के वादे करता हूँ। कह दिया ना, वायरस मिल जाएगा। तब तो सरकार घुटने टेक देगी, कयामत ढा सकते हैं हम। तो लगाए फोन ब्रिगेडियर राशिद को, हमारे ISI कॉन्टैक्ट। हिंदुस्तान की शेप में ये केक, पिस्ते फ्लेवर का, वो भी हरे रंग का, खाने में मजा आएगा। हेलो अली अब्बास भाई, वो मिसाइलें हाथ लगी? जी हाँ, अब आप हमारी मदद करें और हम आपकी। देखो भाईजान, काफिरों के मुल्क से आया हर मुसलमान हमारे यहां पना पाता है, और जो भी काफिरों को सबक सिखा कर आता है वो कराची के महलों का बादशाह बन जाता है। इसलिए आप भी जल्द से सबक सिखा कर आए। 93 के बम ब्लास्ट का किस्सा बहुत पुराना हो चुका है, जो दारा नहीं कर सका वो हम कर दिखाएंगे। वाह, बहुत खूब, पना हमसे लो, पैसा उनसे लो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वाजपेयी साहब पीस जाते हैं और हम पीसेस, हिंदुस्तान के टुकड़े, खास तौर पे ये टुकड़ा कश्मीर। अब मुंबई में हमारा ये वायरस ऐसा कमाल दिखाएगा कि दोनों मुल्कों की बातचीत शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। हो सकता है कश्मीर से बड़ा मसला ये वायरस बन जाए। एक्सक्यूज मी सर, सर डिफेंस मिनिस्ट्री से एक डेलीगेशन आया है, डायरेक्टर साहब ने कहा है कि वायरस पे आप ही उन्हें ब्रीफ करें। ओके, आई विल बी देयर। गुड डे सर। सर, ये जरूरी फाइल संयुक्त राष्ट्र में पेश होनी है, प्लीज आप इसे साइन कर दीजिए।
थैंक यू सर। गोपाल मॉर्निंग। कैसे हो गोपाल? कैसे होना चाहिए मुझे? सुना है डिफेंस मिनिस्ट्री से डेलीगेशन आया है जिसे ब्रीफ तुम करोगे और फिर कल डायरेक्टर साहब के रेकमेंडेशन पर अमेरिका जाकर रिसर्च तुम करोगे और जब लौट कर आओगे तो जॉइंट डायरेक्टर साहब तुम बनोगे सर। तो मुझे कैसा लगना चाहिए? हाँ खैर पूरी रात मैंने इस लेबोरेटरी में बहुत मेहनत की और फाइनली इस नए वायरस पर एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट बनाई है। हैव अ लुक एट दिस गोपाल। व्हाट यू हैव अ डर्टी माइंड। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी रिसर्च टीम को हेड कर रहे हैं एक यंग बट ब्रिलियंट साइंटिस्ट राहुल गुप्ता। राहुल सर, मेंबर्स ऑफ द डेलीगेशन, माय सीनियर्स, आज दुश्मन मुल्क न्यूक्लियर वॉर की धमकी देता है, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स तैयार करता है, इसलिए हमारे इंटेलिजेंस ने यह पता लगाया है कि दुश्मन मुल्क ने यह वायरस तैयार किया है। ये वायरस अगर मिसाइल के जरिए या किसी और तरीके से हमारे देश पर गिराया जाए तो लोग तड़प तड़प के मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। हवा, पानी, जमीन, जहां पे भी ये वायरस के छोटे छोटे गोले फटेंगे वहां के 10 किलोमीटर के रेडियस में इंसानों के नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो जाएंगे। इसलिए हमारी रिसर्च टीम एक एंटीडोट तैयार कर रही है, एक एंटीवायरस, जैसे कॉलरा और टाइफाइड के वैक्सीनेशन होते हैं। अगर इस वायरस को पानी में फैलाया जाए, हमारी रिसर्च इस कोशिश में है कि वो पानी जहरीला ना हो पाए। इतना खतरनाक वायरस इंसान के दिमाग ने कभी पैदा नहीं किया है, लेकिन हमारी रिसर्च टीम काफी आगे बढ़ चुकी है। महीने दो महीने में हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। एनी क्वेश्चंस? नो सर। नो सर। हे शीतल, सॉरी आई एम लेट, व्हाट विल यू ड्रिंक? शी विल हैव अ फ्रूट पंच। फ्रूट पंच। I'll have a double large vodka. Yes, sir. Hey, I'm enjoying. Double large vodka bhi mangai hai maine. Rahul, aaj mere ghar mein koi nahi hai. Kyun? Kahan gaye sab log? Daddy, Bangalore, mummy. Hey, Bangalore. Oh, what a beautiful city. Aur Dr. Kalam bhi wahan hai. He's got a lovely lab. Oh, shut up. I'm sick of your lab business, okay? Ma'am, your fruit punch. So, your vodka. Thank you. Rahul, try and understand. आज मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ। देखो, बिल्कुल घबराना मत। सारी खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखना। और अपने पास एक टॉर्च रखना। और हो सके तो अपना कजन बंटी है, उसको बुला लेना घर। राहुल। ओके ओके। डोंट स्पॉइल योर मूड। प्लीज डोंट स्पॉइल योर मूड। आज मुझे तुमसे कुछ कहना भी है। समथिंग अल्टीमेटली रोमांटिक। क्या शीतल? मुझसे शादी करोगी? राहुल, यू आर वेरी क्यूट। थैंक्स। बट लर्न टू बी अ मैन फर्स्ट। शीतल, शीतल तू man? I am a man.